हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज जो रिव्यू होने वाला है वो है इस मिनी पिकअप ट्रक को लेकर, महिंद्रा जीडो। अभी ये जो वेरिएंट मेरे सामने खड़ा है ये प्लस में आया है, नया जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ हम देखेंगे इधर साइड में जीडो प्लस। तो अभी बात करने वाले, फिलहाल ये जो है मेरे सामने ये डीजल में आता है और इसका जो पावर फिगर की हम बात करें तो 16 BHP साथ में 16 horsepower और साथ में देता है ये 42 Nm का टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। अभी बात करेंगे इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में, ओवरऑल कितने बजट प्राइस में ये मिलता है आपको एक्स्ट्रा रूम, सभी चीज़ों के बारे में। फिलहाल शुरू करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का आपको एक सिंगल वाइपर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह की आपको ग्रिल मिलेगी, साथ में ये महिंद्रा का लोगो, बट ये अभी भी ओल्ड है, नया क्यों नहीं दिया पता नहीं। यहाँ पर आपको इस तरह के इंडिकेटर मिलेगा और यहाँ पर ये आपको सराउंडिंग सी हेलोजन में आपको हेडलाइट यूनिट मिलने वाली है, गोल काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे यहाँ पर इस तरीके की हेक्सागोनल ग्रिल आपको मिलेगी, साथ में इधर ये हॉर्न भी आपको दिख रहा होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से इस तरीके का रिफ्लेक्टर, तो ये ओवरऑल फ्रंट का डिज़ाइन है। और अगर फ्रंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से आप अपना जो है ब्रेक फ्यूल वगैरह इस तरीके से यहाँ से भरेंगे आप। तो फ्रंट में इस गाड़ी का इंजन नहीं है, इंजन है पीछे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये कुछ इस तरह का डमी सा आपको मिलेगा बोनेट, और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आगे हेडलाइट यूनिट मिलने वाला है और इस तरह की ग्रिल, ताकि ये प्रॉपर आपको वैन जैसा हो दे। जीतो की बात करें इसमें हम, तो इसमें एक मिनी वैन का ऑप्शन भी आता है महिंद्रा की तरफ से, वो आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। और अभी बात करें इसकी साइड में लुक्स की, उस साइड में कुछ इस तरह का लुक्स यहाँ मिलेंगे, इस तरह की ORBM मैनुअली एडजस्ट करेंगे आप इनको, काफ़ी अच्छा साइज़ है और बड़ा सा विंडो ग्लास एरिया भी मिलेगा इधर, यहाँ कॉर्नर के लिए छोटा सा आपको क्वाडर पैनल ग्लास, साइड पर कुछ इस तरह के इंडिकेटर। और अभी बात करें टायर की, तो कुछ इस तरह का टायर इसमें मिलता है, 12 इंच का इसमें आपको मिलेगा टायर। टायर की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है 145 R12 लाइट ट्रेन आपको जो टायर है वो मिलने वाला है, इसमें कुछ इस तरह का टायर है, 145 आपका ये साइज़ और 12 इंच का आपको टायर पर। इस तरह की ट्विस्टेड कॉइल बीम आपको सस्पेंशन मिलेंगे इसमें, आगे और पीछे दोनों ही आपको कॉइल सस्पेंशन मिलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पीछे भी आपको इस तरीके की कॉइल बीम सस्पेंशन मिलने वाले हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इस तरीके के कॉइल बीम सस्पेंशन यहाँ भी मिलेंगे, सेम टायर साइज। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी आपको सेम साइज में मिलेगा। यहाँ बैक में आपको इस तरीके का मिलने वाला है फाइबर में इसका मड गार्ड, और यहाँ पर इसका ये एयर इंटेक के लिए। ड्राइवर साइड बात करें हम, तो यहाँ पर भी आपको एक फ्रंट अप इंडिकेटर और यहाँ पर ये जीको प्लस की बैजिंग, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये बैज आपको देखने में। और अभी हम बात करने वाले हैं इसकी डैक की, ओपन डैक इस तरीके का इसमें आता है, जिसमें आपको लोड कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 70 kg का स्पॉट इसमें आप लोड कैरी कर सकते हो। इधर नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा इसका स्पेयर व्हील, और यहाँ पर मिलने वाला है आपको इसका डीजल के लिए डीजल टैंक, 10 लीटर का इसमें डीजल टैंक आपको मिलता है, बट ये जो कैप है ये लॉकेबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये बिल्कुल खुला हुआ है, कोई भी आपका डीजल यहाँ से चोरी भी कर सकता है। और अभी नीचे दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर इसका ये एयर फिल्टर, और वो नीचे आपको इसका ये 1 सिलेंडर का 4 गियर के साथ आपको इसका इंजन मिलता है, 16 horsepower और साथ में 42 Nm का टॉर्क ये इंजन आपको देता है। अगर आपको दिख रहा हो तो पूरा इंजन आपको यहाँ पीछे ही मिलने वाला है इसमें, और कुछ इस तरह का चेजिस आपको मिलने वाला है इसमें। चेजिस की बात करें तो अब स्टेप चेजिस मिलेगा कुछ यहाँ से यूँ, और फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर चला जाता है। और ये सामने जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है ये इसका रेडिएटर, वो भी यहीं पर प्लेस है। अभी रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, साथ में ये 2 पार्किंग सेंसर और बैकलाइट यूनिट में यहाँ पर ये इंडिकेटर, टेल और ये ब्रेक लाइट के लिए आपको इस तरीके का मिलेगा।
और यहाँ पे ये नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाएगी। अभी लोडिंग हाइट की बात करें तो अराउंड 2.5 फीट के आसपास लोडिंग हाइट होगी इसका, आपको ईजिली आप लोड अनलोड कर सकते हैं, तो हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है आपको। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका इंजन के लिए एक्सेस आपको यहाँ से मिलने वाला है, ये आपको ओपन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से इंजन में एक्सेस कर सकते हैं। अभी जैसा इसमें आपको आगे और पीछे दोनों ही आपको, कोई भी लीफ सस्पेंशन इसमें नहीं आते, तो कमानी गई कोई भी इसमें सस्पेंशन नहीं है, तो इसके हिसाब से जो आपका डेलीगेटेड सामान होता है जैसे कोई कांच की कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह आपका, तो आप बहुत ईजिली इसमें आप कैरी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको इस तरीके के आगे और पीछे दोनों ही सस्पेंशन कॉइल में मिलने वाले। और यहाँ से ये बिल्कुल अलग है, आप देखेंगे इसको तो ये पोर्शन बिल्कुल अलग है इसका टायर का। यहाँ पर आपको ये बैटरी की प्लेसमेंट मिल जाती है, इधर आप यहाँ पे लॉक वगैरह भी लगा सकते हो अपना। और जीतो की जो असेंबली है वो तेलंगाना में करती है महिंद्रा। ये जो इंजन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया महिंद्रा ने, और इसका जो एवरेज है वो अराउंड 32 लीटर में आपका ये 32-33 के आसपास आपको ये एवरेज प्रोवाइड करता है। ऐसा मान लीजिए कि ये आपका तेल पीता है या नहीं, मतलब सूंघता है और चलता है, इस तरीके से काफ़ी प्रॉफिटेबल आपको पड़ने वाला है। इधर यहाँ पर ये इसका 10 लीटर का डीजल टैंक, यहाँ पे एग्जॉस्ट फ्यूल वगैरह के लिए, और यहाँ मिलेगा इसका ये रेडिएटर आपको नीचे ही। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आपको एक ख़ास चीज़ का जो ध्यान रखना है वो अपने लिए वो ये कि आप प्रॉपर अंडर बॉडी वॉश रखिए आप, क्योंकि आपके सारे जो इंजन है आपका, सारे जो इंजन की ख़ास चीज़ें हैं गाड़ी की, वो आपको सारी की सारी नीचे प्लेस हैं, तो जितना आप इसको कैरी करेंगे उतना ही आगे फ्यूचर में आपको फ़ायदा रहने वाला है। यहाँ से मैनुअली एक्सेस करेंगे आप डाला वगैरह के लिए। 14-15 में जो जीतो आता था उसका जो पावर वगैरह था वो अलग था, वो अंडर पावर हो सकता है, बट ये वाला जो है इसमें पावर भी कंपनी ने किस किया है, हॉट आवर भी इनकी किया है, तो आपको पावर का कोई इशू रहने वाला नहीं है इस वाले जीतों में। चलिए अभी बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इसमें आपको कैबिन मिलने वाला है। अभी डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर पैनल कुछ इस तरीके का, यहाँ से ये लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ मैनुअली आपको मिलेगा ग्लास विंडो अप डाउन के लिए, यहाँ से ये लॉक, ये हैंडल बार, और इधर काफ़ी स्पेशियस आपको कैबिन रहने वाला है। बीच में कोई भी आपको टनल वगैरह नहीं है, आप इधर से उधर ईजिली आप जा सकते हो इसमें। यहाँ पर ये सीट आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें रीच का ऑप्शन मिलेगा, रिक्लाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। इधर आपको हैंड ब्रेक, यहाँ पर ये इसके टूल्स वगैरह, इधर ये 2 पॉइंट सीट बेल्ट, और यहाँ पर इस तरीके का ये फिक्स सीट है आपका ग्लास विंडो। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। यहाँ पर ये 4 गियर का ट्रांसमिशन इसका, इधर ये डमी बटन्स हैं, अगर आप यहाँ पर कोई अपना म्यूजिक स्टूडियो वगैरह कुछ लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको फ्यूचर में आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ करवा सकते हैं। डैश में ही आपको इस तरीके का गियर बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर ये ग्लो बॉक्स लॉकेबल, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पर आपको ये 12 वोल्ट का एक चार्जर भी मिल जाता है, अच्छा है आपके लिए। और यहाँ पर इस तरह की है रीडिंग लाइट येलो कलर की, इधर ये आपका IRBM, यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल, और आपको सन वाइजर इसमें एक ही मिलेगा ड्राइवर साइड, साथ में टिकट होल्डर। स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील इसमें मिलने वाला आपको, इस तरीके का डीकट स्टीयरिंग मिलने वाला है, ताकि ईजिली आप यहाँ पर आपको किसी तरह का इधर से उधर स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, आप अच्छे से मूव कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर ये आपका वाइपर के कंट्रोल, इधर आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, और नीचे यहाँ पर ये पैडल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ब्रेक, एक्सेलेटर, क्लिच वगैरह। की बात करें तो कुछ इस तरह की नॉर्मल की मिलेगी इसमें आपको, और यहाँ पर ये पुराने ज़माने का आपको मिलेगा हैज़र्ड का स्विच, स्टीयरिंग में माउंट ऊपर की साइड, तो अभी यहाँ पर ईजिली दिया जा सकता था, पता नहीं क्यों नहीं दिया। और कुछ इस तरह का इसमें आपको मिलेगा MID, इसमें आपको हैंड ब्रेक वगैरह का वार्निंग भी मिलेगा आपको, साथ में आपको मिलेगी क्लॉक, टेम्परेचर वगैरह का, फ्यूल गेज भी मिलेगा आपको, सारी चीज़ें यहाँ से, ये ट्रिप वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये इस तरह का ट्रिप ए, ट्रिप बी,
ड्राइविंग टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरह की इसमें MID में आपको मिल जाती हैं। काफ़ी क्यूट सा छोटा सा डिज़ाइन है, तो कुछ इस तरह की ओवरऑल अंदर से तक कैबिन। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको ग्लास विंडो एरिया भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, और यहाँ पर आप इस तरीके से हाथ वगैरह रखकर आप चला सकते हो उसको ईजिली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था ओवरऑल महिंद्रा जीतो प्लस डीजल में 16 हॉर्स पावर, 742 Nm का टॉर्क पावर। और प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 5,25,000 रुपये एक्स्ट्रा रूम पड़ने वाला है। अभी आप सामने देख रहे हैं ये जट्टारी ऑटो सेल्स, अराउंड 6 लाख का ये आपको ऑन रोड पड़ जाने वाला है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, 6 लाख हो या 5 लाख हो, मेहनत की कमाई होती है लोगों की। और ज़रूरी है कि आप अपने पैसे से क्या खरीद रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर जा रहा है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये था ओवरऑल महिंद्रा जीतो प्लस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।